हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये सर्किट को वायर से कैसे कनेक्ट करते हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको क्या क्या ज़रूरत है, एक टेस्टर का, एक वायर का, एक क्लॉक का। ठीक है, और वायर को इसको आप ऐसे ही थोड़ा सा छील दीजिए। ठीक है, छीलने के बाद आप इसी ब्लॉक, ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, इसको ये जो सामने की तरफ के करके इसको डाल लीजिए थोड़ा सा। और उसके बाद ये प्लग जो होता है 3 पिन का, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एन लिखा हुआ है, एन का मतलब न्यूट्रल, और ये जो है ये लाइन, ठीक है, एन लिखा हुआ है, सभी प्लग में यहाँ पर मौजूद होगा और यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये मैं टेलकॉन का, ये कंपनी का है, ये आईएसआई मार्क भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है वायर है वो राइट साइड में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल का साइड है इसको हम ग्रीन वायर, सॉरी ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, इसको थोड़ा सा खींच लीजिए थोड़ा सा, जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही कीजिए, और प्लग को जो 3 पिन सर्किट है उसको हम तैयार कर लेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया और घुसा दिया भी, और इसको जो नॉट है उसको भी मैं टाइट कर रहा हूँ। वही है सही तरीका। ठीक है, वो रेड वायर हमेशा से ये जो एल लिखा हुआ है एल के ही अंदर ही जाएगा। आप तार को ऐसे ही कर दीजिए, थोड़ा सा जो तार ये निकल के आया है वो गुच्छे गुच्छे में आ जाएगा, और इसको राइट साइड में ही डालेंगे। हमेशा जो लाइन करंट आता है वो राइट साइड में ही आता है। ठीक है, इसको टाइट कर दीजिए। वो ये जो ग्रीन वाला वायर है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल का है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो साइन होता है ये न्यूट्रल का ही होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, थोड़ा सा खींचकर मैं थोड़ा सा, मैं तार थोड़ा सा काम लिया था इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा हो गया। आप आराम से कीजिए, ये हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे ही इसको तैयार किया। ठीक, हमेशा से ये जो राइट वाला है ये रेड वायर होता है वही है, पर जो ब्लैक वायर होता है वो ये ग्रीन वायर ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जुड़ने से आपका जो प्लग है वो सही तरीके से काम करने लाइक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिक्स कर देता हूँ, और ये जो कैप है इसको भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। थोड़ा सा टाइट में और ज़्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि एक खींच जाएगा तो निकल आएगा। सही तरह से टाइट हो चुका है।
मैं एक ही नट बोल्ट यहीं डालूंगा क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, कहीं मैं खोल रहा था कहीं गिर गया, ये पता नहीं चला, रात का समय है। देखिए ये हो गया रेड का, ये है न्यूट्रल और ये है लाइन और ये है अर्थिंग, ठीक है, ये सही तरीके से हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।